शहर को यह हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। कदमों के है निशा नहीं, तेरी आग में है धुआं नहीं, तेरे लफ्जों की जुबान नहीं, तू हो के भी है यहाँ नहीं। तू बिना जिस्म के सांस है, तू राख है खाक है, तू बिना जिस्म के सांस है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है बता। You can call me X, you can call me X, you can call me X, Mr. X, you can call me X, you can call me X, you can call me X, Mr. X. खींचती तेरी सांसें जिस्म से गती, तेरी धड़कन ही सुनी है बस, तेरी परछाई भी तो नहीं। तेरी खुशबू मुझे है खींचती तेरी सांसें जिस्म से गती, तेरी धड़कन ही सुनी है बस, तेरी परछाई भी तो नहीं। देखे से मेहरबान तू कौन सा राज है, मेरे अनदेखे से मेहरबान तू कौन है, तेरा नाम क्या है बता। You can call me X, you can call me X, you can call me X, Mr. X. You can call me X. You can call me X. You can call me X. Mr. X. Mr. X moves in a zones where the human heart thirsts for love, eternal love. Thank you.
रघु, इट्स द एसीपी। सर, हमने एक आदमी को मार दिया है, लेकिन दूसरे ने अपनी हाथ की हथकड़ी स्टीयरिंग व्हील पे लॉक कर दी है और उसकी बॉडी पे बॉम्ब है सर। अगर हमने उसे गन डाउन किया तो वो उस बॉम्ब को ट्रिगर कर देगा और बस में बैठे लोग बचेंगे नहीं। आई नो सर, लेकिन हम और वक्त नहीं मांग सकते। रघु टेररिस्ट लाइन पे है, तुमसे बात करना चाहता है। सर, आई कॉल यू बैक सर। मैंने दो लोगों को गोली मार दी और तुम लोग अब भी नहीं समझे। मैं हर 5 मिनट में एक एक करके सब लोगों को मार दूंगा, जब तक तुम लोग ये साबित नहीं करते कि मेरा भाई अख्तर मकसूद जेल से रिहा हो चुका है। बस ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये काम इतना आसान नहीं, इसमें स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है और उसमें वक्त लगेगा। प्लीज, हम कोशिश कर रहे हैं, उसे ला रहे हैं आपके पास। सिर्फ 1 घंटे का वक्त मिलेगा, वक्त जरूर मिलेगा, हर 5 मिनट के बाद। लेकिन उससे पहले सजा का वक्त है। हेलो हेलो हेलो, ए तू बुढ़ा, तू तेरे से बात कर रहा हूं। लौट लौट। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। राजीव, डू यू हैव अ क्लियर शॉट? यस सर। ध्यान से देखो, डू यू हैव अ क्लियर शॉट? आई डू सर। Okay, on my command. Yes, sir. Take the shot now. Okay, move in! Move in! Come on, guys! Move up! Move up! Abhi, move! Jaldi! We only have 3 minutes. Come on, guys, hurry up! Move! Move! Go, go, go! Go! Come on! Come on, hurry up! अंदर कोई है? पागल हो गए हो? There's no time bomb, कभी भी पड़ सकता है। तो फिर इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दो सिया। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। I can't do this. मैं उस आदमी को बचाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बचाओगी। उसकी उम्मीद मुझसे और मेरी तुमसे। प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ, then just do it. वर्मा ने अपनी जान पर खेलकर बस के उन सारे पैसेंजर्स को बचाया जिसे आतंकवादी अख्तर मकसूद ने बंदी बनाकर रखा था। या सूप इज फाइन। की ये मांग थी कि अख्तर मकसूद को जेल से रिहा कर दिया जाए, लेकिन एटीडी के इस सक्सेसफुल सिया?
तुम तो जानती हो ना तुम मेरे बगैर जी सकती हो ना मैं तुम्हारे बगैर, इसलिए आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आज सिर्फ 50% कर सकता हूं, 50% कल। इट्स नॉट फनी रघु। सिया वर्मा विल यू मैरी मी? मैं वादा करता हूं कि कल मैं तुम्हें एक असली रिंग ला के दूंगा। And I've realized कि अपनी जिंदगी को बचाने का बस एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बना लूं। तेरी सांसों की सांसों में जो तो मैं हूं, तेरे ख्वाबों की आँच में जो तो मैं हूँ, मेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ, तू जो है कहूं, बिन तेरे मुझ में क्या है, जिसको जियूं जिसमें रहूं, तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल में सदियां मेरी, बिन तेरे मैं सहरा सा हूं, बिन तेरे मैं खतरा भी नहीं, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। तुम्हारे डैड इस हफ्ते जेल से रिहा होने वाले हैं। अगर तुम शादी उनके आने के बाद करना चाहती हो तो नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं करना। तू मेरे चेहरे पे है, राहत सा जो ठहरा हुआ, मैं भी तेरे हाथों में किस्मत सा हूँ बिखरा हुआ, तू मेरी रूह सा है, तुझको छू के मैं जिंदा लगूं, जब भी मैं मुझको देखूं मुझ में भी मैं तुझ सा लगूं, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ, जो है तो मैं हूँ।
हेलो हेलो या बट लेकिन मैंने कहा था कल मेरा आखिरी दिन है और ओके ओके फाइन आता हूँ या फाइन एसीपी का बुलावा आया है इमरजेंसी मीटिंग Can I now have my shirt back, please? क्यों भाई? अगर तुम मेरी तस्वीर अपने ज़हन में रख सकते हो, तो क्या मैं ये शर्ट अपने जिस्म पर नहीं रख सकती? रख सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे किस काम की? इसमें मैं तो नहीं। पर तुम्हारी खुशबू तो है, वो भीनी-भीनी सी, जो मेरे पास रहती है, जब तुम नहीं रहते। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कल मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा तुम्हारे पास रहूंगा And then no cold crumpled shirt needed when a hot guy is here. और 15 मिनट बाकी है रघुभाई हाय पापा हाय रघुभाई रघुभाई वो आपको कुछ देना था ये क्या ये दीदी ने आपके लिए भेजा है वो हमारा सारा कर्जा चुक गया ना इसलिए पोपो ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ रघुभाई आपने मुझ पे भरोसा किया सिर्फ आपकी वजह से शॉल में रहने वाले लड़के को अपना आज एक घर मिला रघुभाई थैंक्स यार पोपो भरोसा सिर्फ काबिल लोगों पे किया जाता है और मैंने तुम पे नहीं एटीटी पे एहसान किया है डिपार्टमेंट को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की जरूरत थी और वो जरूरत मैंने पूरी की मैंने दीदी को बोला था कि आप ऐसे कुछ बोलेगा रघुभाई इसलिए उन्होंने आप जैसा तोहफा चुना है आपके लिए आप हमारे लिए भगवान जैसे हो रघुभाई चल भी काम करने दे हमें 2 हफ्ते पहले खबर मिली है कि एक टेररिस्ट ग्रुप इस शहर में फैल चुका है सीएम साहब की इलेक्शन से पहले हत्या करने के इरादे से हम पता लगा ही रहे थे कि इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है कि एक आदमी पकड़ा गया सईद नकवी नेपाल के बॉर्डर पर अरेस्ट हुआ और उसने हिरासत में बयान दिया है कि हमारी इन्फॉर्मेशन सही है और उस आदमी का नाम बताया जो इस प्लॉट के पीछे है मुन्ना जायसवाल यूपी में हुए कई मर्डर्स के इल्जाम इस पे है और ये वॉन्टेड लिस्ट पे है हमें मालूम है कि आजकल ये मुंबई के सीशोर होटल में ठहरा हुआ है और हमेशा की तरह इसके साथ एक औरत फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो औरत एक अंडरकवर एजेंट है जो सीएम के असैसिनेशन प्लॉट की सारी इंफॉर्मेशन इससे निकालने की कोशिश कर रही है यह भी मुमकिन है कि मुन्ना उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा इसलिए हमने वो कमरा बग किया है उसकी सारी बातें हम सुन सकते हैं वो 402 में है हमारी टीम 401 में है नाउ फॉर योर असाइनमेंट्स सी या मैं चाहता हूं कि तुम 401 में जाओ और उसकी सारी बातें सुनो और जरूरत हो तो उस लड़की की हिफाजत करना रघु तुम और तिवारी हर वक्त सीएम साहब के साथ रहोगे जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ साथ एटीडी प्रेजेंस बहुत जरूरी सर रघु आई नो यू आर ऑन लीव कल शादी करने वाले हो यकीन मानो मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है लेकिन यह सिर्फ आज की बात है आज मुझे अपने सबसे काबिल लोगों की जरूरत है इट्स ओके बस एक ही दिन की तो बात है गुड आनंद कोई खास बात सुनी हाँ सुनी ना सर्दियों में उसकी मम्मी उसे पाया सूप कैसे पिलाती है उसके बारे में लिसन आज का दिन एक नए कल की शुरुआत के सिवा कुछ नहीं मतलब ये कि क्या हम अपने शहर की हालत इस कुर्सी पर
अपने से पहले बैठने वालों से बेहतर करेंगे या सिर्फ इन पर राज करेंगे? आज जब मेरे बेटे आदित्य ने यहां आने का फैसला किया मेरे साथ, उसी वक्त ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि ये पीढ़ी हमसे जवाब चाहती है कि हमारी नीयत क्या है। कोफरगो, अपने बाईं तरफ देखो, जहां पूरी मीडिया खड़ी है। पहले रो में चौथा आदमी, इसने ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई है। उसका कैमरा एंगल चेक करो। उसका कैमरा लो एंगल पर है, जैसे वो सीएम को नहीं कालीन को शूट कर रहा है। अजीब है। एग्जैक्टली। I'll check it out. Okay. आराम से। बल्कि एक डेवलप्ड नेशन भी कह रहे हैं। और हमें आशा है कि हमारी इन योजनाओं को बल बनाने Excuse me. Hey, you. Stop. And I can't stop. काश तुम्हें थोड़ी देर और सोने दे सकते, लेकिन क्या करें, हमारे पास वक्त ही नहीं है। यूसी, हमें वो आदमी, वो असैसिन मिल गया है जो सीएम को मारना चाहता है। इट्स यू। क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या मजाक है? तुम्हें मजाक लग रहा है? हमारे सीनियर सही कहा करते थे, डिपार्टमेंट के लोगों को एक दूसरे से इश्क नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन कब किस तरह उन्हें तकलीफ में डालते हैं। तिवारी, क्या तिवारी, स्नाइपर से क्या मतलब है? हमें तो वो देखना है जो निशाने पर। बिचारी सोचती है कि वो देश की सेवा कर रही है, उसको पता भी नहीं कि हमारी कैद में है। अभी इसी वक्त उस कन्वेंशन हॉल में और सीएम को खत्म करो, वरना सिया मरेगी। समझ लो अपने देश के लिए कर रहे हो। Are you out of your mind? देश के लिए चीफ मिनिस्टर की हत्या, आपका प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। आप पकड़े जाएंगे, सजा से बच नहीं पाएंगे। इसलिए तो तुम मारोगे। क्या है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे और सिया के सिवाय एटीडी में ये केस कौन सॉल्व कर पाता। फिर ख्याल आया कि अगर इन्वेस्टिगेट करने वाले ही मर्डर करने वाले निकले तो डेमोक्रेसी का एक कायदा है, सबसे बेहतरीन को भ्रष्ट कर दो, बाकियों की चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हारे इस प्लान का ऐसा कभी नहीं बनूंगा। अमर, राजीव, समझ गया, ले जाओ इसे। ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना। मेरे स्पीड डायल पे उस स्नाइपर का नंबर है और ट्रिगर पे उसकी उंगली। टेक्नोलॉजी के अलावा आपने किस डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग की है?
हाँ, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ई कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे शहरों के अंदर भी एयरपोर्ट्स। सर, मेरा नाम रखो रामराज तोड़ है, मैं एडीडी के लिए काम करता हूँ। हाँ, आई नो, कॉरिडोर में तिवारी और अमर को मार के भागे हो ना। अच्छा नहीं किया। ये फोन देख रहे हो, इस वक्त स्नाइपर लाइन पे है, यहां मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा और वहां वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान ले लेगा। इसलिए बेटर होगा तुम तिवारी के पास जाओ, गन लो और अपना काम पूरा करो। नाउ गो। बचकाना सवाल कर रहे हैं आप? अरे भाई, बगैर अच्छी सोच के नए काम की शुरुआत कैसे हो सकती है? इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए on the TV. क्यों? क्या हुआ? Just turn it on. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीएम द्वारकानाथ दत्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और हैरत की बात तो यह है कि पूरे मीडिया के सामने उनको गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एटीडी का मशहूर एजेंट है, जिसको उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था, जिसका नाम है रघुराम राठौड़। सूत्रों के मुताबिक वो फिलहाल फरार है, पुलिस और एटीडी उसका पीछा कर रही है।
ऐसा भी बना चाहता हूं। सिया मेरा इंतजार कर रही है, मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। एडीडी और शहर छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएंगे, तुम हमें दोबारा कभी नहीं देखोगे। ओके। एक्चुअली यार तुम समझ नहीं रहे हो। इस सब का सीएम की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक है तो अगला सीएम बनाने से। आदित्य दत्ता जो एक ही दिन में एक नकारे बेटे से एक बेचारा यतीम बन गया, और जो इलेक्शन उसका बाप हारने वाला था अब वो जीतेगा। सिंपथी वोट और मैं कमिश्नर। वो लड़का मुझे कमिश्नर की गद्दी देगा। एंड आई वांट इट। तुम चाहते हो कि वो गद्दी, वो पैसा, वो पावर मैं तुम्हारी लव स्टोरी पे लुटा दूं। मेरा यकीन करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूं। मेरा यकीन करो, सबको पता चलेगा कि तुम मर गए हो। इस जगह के साथ इसको भी उड़ा दो। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि आप आज ही के दिन रघुराम राठौर से शादी करने वाले थे। क्या आपको लगता है कि वो इस शादी का बहाना लेके अपने काम से वक्त निकाल रहे थे ताकि वो इस हत्या की प्लानिंग कर सके? Yeah.
ओके एक सेकंड ना। हाँ हेलो पोपो। सिया, what are you doing here? यहाँ आना मेरी जरूरत है सर। मेरा काम ही मुझे इस सदमे से बचा सकता है। जो हुआ है मेरे साथ, उसे और कैसे भूलूं? I understand, Sia, लेकिन कभी। Please sir, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रघु ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों दिया? कहाँ है रघु पप्पू? आप चलो मेरे साथ प्लीज। हाँ। ओह माय गॉड पप्पू प्लीज प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं लेके आ सकते, वहाँ पे एटीडी वालों को मालूम पड़ जाएगा और वो उन्हें कुत्ते की तरह मारेगी। दीदी हमें ऐसा फीलिंग देना है कि रघु भाई मर चुका है। पोपो तुम समझते क्यों नहीं हो, ये एक मेडिकल कंपनी है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर इलाज इनका नहीं हो सकता। दीदी आप हमारा आखिरी हो, प्लीज दीदी आपको कुछ करना पड़ेगा। प्लीज नहीं हो सकता है। दीदी प्लीज दीदी। ओके ठीक है मैं पीछे का दरवाजा खोलती हूँ, तुम वहां से आओ। गॉड गॉड वहां पे वो बच जल्दी यहाँ काउच पे, जस्ट बी केयरफुल। हाँ पानी के असर से जलने की तकलीफ कम हो जाएगी। रघु भाई अभी हिम्मत करने का आपको। रघु भाई कम ऑन रघु भाई उठो रघु भाई आ जाओ। बी केयरफुल। चलो रघु भाई सब ठीक हो जाएगा। रघु भाई आप टेंशन मत लो, चलो आराम से रखो। काम मत लेकर रघु भाई, कम ऑन रघु भाई। रघु जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड क्या हुआ? रघु के कपड़े उसकी चमड़ी के अंदर पूरी तरह से गल चुके हैं। अगर उसके कपड़े निकालने की कोशिश करेंगे तो उसकी चमड़ी भी खिंचकर बाहर आ जाएगी। पता नहीं किस तरह के केमिकल्स या वो रेडिएशंस थे जिनका असर रघु पर उस रिफाइनरी में हुआ है। उसका सेलुलर स्ट्रक्चर किसी आम इंसान की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली कुछ तो बदला है उसके शरीर में। बदला है मतलब? दीदी अब क्या करेंगे? पोपो मैं बर्न्स और ट्रीट कर सकती हूँ, लेकिन रेडिएशन के लिए इस लेवल के रेडिएशन के लिए मेरे पास सिर्फ ये है। क्या होगा ऐसा? रघु ये एक एंटी रेडिएशन मेडिसिन है जिसकी रिसर्च हम हमारे इस लेबोरेटरी में कर रहे हैं। अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया गया है, किसी चूहे पर भी नहीं। या तो ये या तुम्हारी जान ले लेगा रघु। तो मेरे से शायद मर जाऊं, लेकिन इसके बगैर जरूर मर जाऊंगा। समथिंग लाइक दैट। Ah
वो रेडिएशन का इफेक्ट है, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। कभी नहीं दिखता है, पर ये सब कैसे हो रहा है? The more science knows, the more it realizes it knows nothing. अगर व्हाइट लाइट को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें 7 रंग दिखते हैं, रेड से भी ज्यादा रेड इंफ्रा रेड और वायलेट से भी ज्यादा वायलेट अल्ट्रा वायलेट, पर यहां सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट सनलाइट में हम उसे देख सकते हैं या फिर नाइट में अंडर एनी ब्लू नियॉन लाइट। लेकिन दीदी, स्किन तो ठीक हो ही गई और हेयर भी पूरे वापस। इट्स लाइक अ कंप्लीट सेल रीजनरेशन इंक्लूडिंग हेयर। जिस सवाल का जवाब साइंस के पास नहीं होता, उसका एक ही जवाब होता है, गॉड। दिस इज अ मिरेकल। उस फैक्ट्री में पता नहीं क्या हुआ, ये सब उसी का असर है। दवाई नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, और अगर लूंगा तो मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मतलब ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर है। कुछ तो जरूर किया होगा मैंने जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। लेकिन रघु भाई, आपका थिंकिंग भी तो रॉन्ग हो सकता है। शायद भगवान का कोई प्लान हो, कोई रीजन हो। क्या रीजन? सिया है ना रघु भाई, उसी के लिए जिंदा रखा है भगवान ने आपको, उसी के लव के लिए। हेलो बेटा, वो तुम्हारे पुराने घर गया था, वहां पता चला कि तुम यहां रहती हो। अंदर आने को नहीं कहोगी? थैंक यू। चॉकलेट लाया था तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट। मैंने चॉकलेट्स खाना छोड़ दिया है। कल जोसेफ के वहां डिनर था, एटीडी के काफी सारे ऑफिसर्स आए हुए थे उधर। बातों बातों में तुम्हारा जिक्र हुआ, काफी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, कह रहे थे बिल्कुल बाप पे गई है। आपने जिनसे बात की है वो शायद मुझे अच्छे से जानते नहीं। 10 साल सिया, 10 साल बीत गए। क्या पिछली बातें भुलाकर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? 10 साल क्या इतना वक्त काफी है उस इंसान को माफ करने के लिए जिसने मेरी माँ को मार डाला? For God's sake, सिया, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, और तुम तो सच्चाई जानती हो। अच्छी तरह जानती हूँ। सच्चाई ये है कि वो बेस्ट क्राइम जर्नलिस्ट थी जिसे इस्तेमाल किया,
सच्चाई ये है कि आपके हर किए हुए एनकाउंटर किलिंग्स को असल पुलिस किलिंग समझती थी। सच्चाई ये है कि मानती ही नहीं थी कि आप एक खूनी हैं। सच्चाई ये है कि आपके हर कहे हुए झूठ को सच मानकर फ्रंट पेज पर छापती थी। सच्चाई ये है उनका दिल टूट गया हर सच जानने के बाद, खुदकुशी कर ली अपने आप को धीरे धीरे खत्म करके। इतने सालों से ईटीडी में हो, सोचा था अभी तक समझ गई होगी कि कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। जिस सही को गलत की जरूरत पड़े वो कभी सही हो ही नहीं सकता। Now if you don't mind, Mr. Verma, get out of my house. जिस आदमी ने उस करप्ट चीफ मिनिस्टर को मारा है, सुना उससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, तो क्या उससे भी प्यार करना छोड़ दिया तुमने? सिर्फ प्यार करना नहीं छोड़ दिया, नफरत करना भी सीख लिया। नफरत होती है मुझे उसके वजूद से, उसके होने से, उसके हर झूठ से। एक चलते फिरते झूठ के सिवा और था ही क्या वो? He was a murderer, आपसे बदतर। कहते हैं किसी को बुरा मान लेने से पहले उसके जूतों में अपने पैर डालकर 100 कदम चल लेना चाहिए, उसकी मजबूरी का एहसास हो जाता है। जो गलत करने पर मजबूर हो जाए वो इंसान ही क्या? और रहा सवाल रघु का, उसने मर के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। कम से कम मुझे उसे आपकी तरह मरा हुआ समझना तो नहीं पड़ेगा। तेरी खुशबू और तेरी सांसें कतरा कतरा सब भुलाएंगे। सिलवटे जो तुमने छोड़ी है धीरे धीरे सब मिटाएंगे। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है। आँख नम होती है होने दो, होंठ लेकिन मुस्कुराएंगे। उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। सिया वर्मा, विल यू मैरी मी? मैं बीवी बनने वाली हूँ तुम्हारी, हमेशा पास रहूंगी। सिया मेरा इंतजार कर रही है। डीडी और शहर छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएंगे। सिर्फ प्यार करना नहीं छोड़ दिया, नफरत करना भी सीख लिया। कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। कारस्ते माफलेशु कदाचना, तुमने सही कहा था। कोई वजह है जिसके लिए मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन वो वजह प्यार नहीं, कुछ और है। मतलब? अर्जुन को तो कृष्ण की जरूरत हमेशा पड़ती है, लेकिन कभी कभी कृष्ण को भी अर्जुन की जरूरत पड़ती है। उसने मुझे प्यार के लिए नहीं, लड़ने के लिए जिंदा रखा है, बदले के लिए।
अगर शैतान छिपकर काम कर रहा है तो भगवान को भी छिपकर काम करना होगा। अरे अपने ही मानवा में पीस दे बुका हो, अपने ही मानवा में पीस दे बुका हो, अपने ही मानवा में। अरे का हो भैया, गाड़ी बंद हो गई का? अरे कौन सा सुरा धक्का मार रहा है? अरे कोनो धक्का नहीं मार रहा है तो गाड़ी कैसे चल रहा है? कैसे हो तिवारी? अरे कहा भाग रहा है? रुक तो। हेलो हेलो, बात तो सुन तिवारी। हेलो कोई तिवारी? हेलो लीजो बार। अरे ससुरा जैया को फोन दे। अरे ससुरा तिवारी बोलो। तिवारी बात तो सुन तिवारी। अजय, अरे ससुरा अपने ड्रिंक में कुछ मिलाया था खा रहे? कहा बता रानी की कसम, कहा बजरी मिल गई कसम। अरे सुन तिवारी, ससुरा सब तो ये होती है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तिवारी, मैं चाहूं तो तुझे एक मिनट में मार सकता हूं, पर मैं तेरे एटीडी जैसा कमीना नहीं, इसलिए मैं तुझे वार्न कर रहा हूं कि अब सिर्फ 24 घंटे हैं तेरे पास, उसके बाद मैं तुझे मार दूंगा। अब जाके अपने डिपार्टमेंट से कह दे, बचा सकते हैं तो बचा ले तुझे। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम हो कौन? जो था जलकर खाक हो गया, अब सिर्फ एक साया हूं। मिस्टर एक्स नाम है मेरा, तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। यू कैन कॉल मी एक्स, यू कैन कॉल मी एक्स, You can call me X, Mr. X. Mr. X, Mr. X, Mr. X नाम है उसका। किसका नाम? उसका। उसका किसका? पता नहीं। Mr. X किसका नाम है तुम्हें पता नहीं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा कि वो Mr. X है। किसने? पता नहीं। मतलब तुमने उसे नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो घर रहता है। तो कहाँ रहता है? वो वही रहता है। वही कहाँ? पूरा एड्रेस मुझे मालूम नहीं। तो तुमने कहाँ देखा? मैंने रोड पे। तो कैसा दिखता है? वो दिखता नहीं है। तो तुमने कैसे देखा? मैंने नहीं देखा। तो किसने देखा? मैंने नहीं देखा। तो तुमने क्या देखा? मैंने मिस्टर एक्स कौन है? वही है, वही है। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो धुएं में रह के मुझसे बात कर रहा था। खाक पी के आयो क्या तिवारी? अगर वो दिखता नहीं है तो तुमने धुएं में कैसे देखा? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, उसने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है, 24 घंटे के अंदर मुझे मार देगा। सर, 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 हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इग्नोर क्या कर रहा हूँ? He's gone mad. लेकिन एक दिन में कैसे?
कल तक तो वो अच्छा भला था। और सर, कॉशियस रहने में क्या जाता है? अगर ये उसका वहम है तो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर सच है देन ही इज इन डेंजर। घबराओ मत, दिस इज द लास्ट प्लेस ही लुक फॉर यू। कोई अंदर नहीं आएगा, ये कमरा सिक्योर है। अमर, आई वांट टू बाउंसर्स हियर, एक एक्सरे मशीन और एक मेटल डिटेक्टर। जो भी यहाँ आएगा उसमें से पास होगा। yes. रात में यहाँ काफी लोग होंगे, गाना बजाना भी होगा। मुझे चार ATD ऑफिसर्स यहाँ चाहिए। एंड नोबडी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, इज दैट क्लियर? इन दिनों मेरी अब सांसों में हो रहा खर्च, तू कर यकीन मेरे अब जीने की बन गया शर्त तू। अलिफ से पर तू, यहाँ हर शे पर तू, खुदा पे नक्श तेरा इश्क का पैकर तू। अलिफ से पर तू, यहाँ हर शे पर तू, खुदा पे नक्श तेरा इश्क का पैकर तू। हार्बिंजर, हार्बिंजर, क्या बोल रहे हो तुम? एक्सरे मशीन, हार्बिंजर, लेटा। करम, तुम पी के आए हो? नो सर। पी के आए हो क्या? ऑन ड्यूटी थोड़ा। देख ले मेरे अल्फाजों से तू, बूंद बूंद गिरता रहता है। सुन जरा मेरी आवाजों के, तू साथ साथ बहता रहता है। को देख ना पाए जहाँ मैं वो जगह हूँ, मैं तेरी धड़कनों की गिनतियों की भी वजह हूँ। मैं तेरी धूप में रोशन हुआ पतरा हूँ कोई, मैं जिसके पीछे कोई रात हुआ मैं वो सुबह हूँ। अलिफ से पर तू, यहाँ हर शे पर तू, खुदा पे नक्श तेरा इश्क का पैकर तू। अलिफ से पर तू, यहाँ हर शे पर तू, खुदा पे नक्श तेरा इश्क का पैकर तू। देख ले मेरी इन आँखों में, तू ख्वाब से मिलता जुलता है। सच है ये हर जगह नींदों पे, तू रोज रोज उगता रहता है। मैं खुद से ही जुदा, खुद से दिया, खुद मैं धुआं हूँ कि मैं ही अपने ही मुझ में बता के मैं कहाँ हूँ। मैं तेरे ख्वाबों के बहते किनारों पे खड़ा हूँ, उड़ के देख ले मुझको, मैं तेरा ही निशा हूँ। तू ही निशा है ओ। अलिफ से पर तू, यहाँ हर शे पर तू, खुदा पे नक्श तेरा इश्क का पैकर तू। अलिफ से पर तू, यहाँ हर शे पर तू, खुदा पे नक्श तेरा इश्क का पैकर तू।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मैंने जो भी किया है मुझे माफ कर दो। I'm sorry. सॉरी का मतलब जानते हो तिवारी? देखो तुम मिस्टेक्स हो। सॉरी का मतलब है जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे इस सॉरी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोबारा ये गलती करने का मौका मैं तुमको दूंगा ही नहीं। Stop it! छोड़ दो तिवारी को, छोड़ दो उसे। I said leave him, let him go, leave him. तिवारी! जो मेरे पास रहती है जब तुम नहीं रहते। तेरी सांसों की सांसों में जो हूं तो मैं हूं, तेरे ख्वाबों की आंच में जो हूं तो मैं हूं, तेरे होने से ही मेरा होना को खोना जैसे खुद को खोना। तू जो है तो मैं हूँ, ये जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, ये जो है तो कि तुम चाहे कितना भी छुपने की कोशिश कर लो, मैं ढूंढ निकालूंगी तुम्हें। I will find you, I will arrest you, चाहे जो भी हो जाए। मुझसे नहीं बच सकते, सुनो तुमने, नहीं बच सकते मुझसे। रघु, I will find you, नहीं बच सकते तो मुझसे रघु। हाय पोपो। पोपो, तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ टेंशन है क्या? आओ मेरे साथ। मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है, पर तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं, वादा करो। प्रॉमिस, बोलो ना। पोपो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मिस्टर रेक्स और वो आदमी जिसने तिवारी को मारा एक ही है। इट्स रघु। नहीं, नहीं हो सकता ना ये। रघु भाई तो मर चुका है अभी,
जिंदा कैसे हो सकता है सिया, तुम बताओ ना। इतना ही नहीं, भरद्वाज सर को पूरा यकीन है कि तुम रघु से मिल रहे हो और उसकी मदद भी कर रहे हो। मैं किसी से नहीं मिल रहा हूँ सिया। तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना सिया? करती हूँ, इसलिए तुम्हें वॉर्न करने बुलाया है यहाँ। पोपो तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम खामखा मुसीबत में पड़ो। तुम्हारा फोन भी टैप हो चुका है। मेरा फोन टैप किया है? लेकिन काय को, मैं किसी को जानता ही नहीं है सिया। ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मेरे को नहीं पढ़ने का है। मैं बहुत तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुमने कुछ नहीं किया ना? नहीं नहीं। सो रिलैक्स, टेंशन मत ले। कम ऑन। रघु भाई फूल गुड़ना का लोग है रघु भाई। अब चलो, वो लोग सब जानता है रघु भाई, सब जान गए वो लोग। क्या जान गए? रघु भाई की आप मिस्टर एक्स है और आपने तिवारी को। आप क्यों पूछ रहे रघु भाई? यहाँ पे फुल डेंजर है, आप चलो ना मेरे साथ रघु भाई। देखो रघु भाई, मेरा फोन उन्होंने ऑलरेडी टैप किया है रघु भाई, और आपको ढूंढने के लिए यही आएगा ना। वो लोग दीदी यहाँ पे काम करती है, आप चलो ना रघु भाई। एक सेकंड, किसने बताया तुमको कि तुम्हारा फोन टैप्ड है? सिया ने, फ्रेंड ना, तो वॉर्न करी थी। बेवकूफ बनाया तुमको, उसको मालूम था कि तुम घबरा कर यहाँ आओगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पीछा करते हुए मैं भी यहाँ जाऊंगी। सही कहा तुमने। रघुराम राठौर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ एन एटीडी ऑफिशियल एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अरेस्ट करोगे? कैसे? क्या मतलब कैसे? जानती नहीं हो तुम, मैं गायब हो सकता हूं। वेरी इंप्रेसिव ट्रिक रखो। तुम तो गायब हो गए, लेकिन बेचारा पोपो तो गायब नहीं हो सकता। इसीलिए अगर तुमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो मैं उसे अरेस्ट कर लूंगी, एक खूनी को पनाह देने के इल्जाम में। रघु भाई, ये सिया तो फुल डेंजर हो गया है। रघु भाई, आप बाहर मत निकलो। कम ऑन रघु, तुम जानते हो दिस इज एन ओपन एंड शट केस ऑफ अबेटमेंट। कोई केस में सिया रघु भाई, आप सुनो बता, इसका बाद बिल्कुल नहीं सुनने का। कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी इसे। मैं 7 साल से डरता नहीं रघु भाई, आप दिखाओ बता अपने आपको। सोचो इसके बाद क्या होगा। अरे उसके बाद कुछ नहीं होगा रघु भाई, आप खुद को दिखाओ बता। जिसकी जिंदगी बनाई थी तुमने, उसी का पूरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा तुम्हारी वजह से। अरे फ्यूचर छोड़ो ना भाई, आप प्रेजेंट का सोचो ना, आप खुद को दिखाओ मत। अब फैसला कर लो। Very impressive, सिया वर्मा। कहीं ना कहीं अब भी तुम में थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है।
गन खाली है। लोड कर लो उसमें और तान दो मुझ पर। फिर गोली भी चला लेना, लेकिन चलाने से पहले यह सुन लो जो मैं कहना चाहता हूं। सारी दुनिया ये देख चुकी है कि मैंने चीफ मिनिस्टर पे गोली चला के उनको मार दिया, और ये सच भी है। लेकिन इस हत्या के पीछे एक ऐसा सच है जो किसी ने नहीं देखा, सिवाय मेरे और उन लोगों ने जिनके निशाने पे तुम थी। होटल सी शोर के रूम नंबर 401 में। What? I had no choice. या तुम या चीफ मिनिस्टर, किसी एक को बचाना था मुझे, और मैंने फैसला कर लिया। आई किल्ड हिम ताकि तुम जियो। सारा प्यार भूल गई, इतनी नफरत कर ली तुमसे। I'm sorry, रघु, I'm so sorry. तुम उसे नफरत कभी कर ही नहीं सकती। सुन, तो हम दोनों पर हुआ है, पर अब नहीं। मुझे उन लोगों के नाम चाहिए। मैं उन्हें सारी दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगी, उन सबको फांसी दिलाऊंगी। ये लोग आम क्रिमिनल्स नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं, कानून से भी बड़े, जो अपने कानून खुद बनाते हैं और खुद तोड़ते भी हैं। तुम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए खामोश रहना ही ठीक है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हिफाजत करेगी। और तुम क्या करोगे? मैं उनको मार दूंगा। तिवारी की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी, दो लोग बाकी हैं। रघु, अय्यू सिंह, तुम उन लोगों का खून करोगे बिना कानून की परवाह किए? कानून वो नाम मर दे जो किसी काम का नहीं रहा और जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। I don't believe this. कानून की हिफाजत करने वाला आज उसे तोड़ने की बातें कर रहा है। टूटी हुई चीज को तोड़ा नहीं जाता सिया। जिस कानून की हिफाजत में कर रहा था उसका असली चेहरा देख चुका हूं मैं। नकली खोखला बेजान जो गरीब और मजलूमों का साथ नहीं देता और अमीर और जालिमों का साथ नहीं छोड़ता। छोड़ सकता है अगर तुम उसकी मदद करो। मैं अब सिर्फ अपनी मदद करना चाहता हूँ सिया। तुम ऐसे नहीं हो। जिस रघु को मैं जानती हूँ वो कभी भी इस तरह सोच ही नहीं सकता। वो रघु उस रिफाइनरी की आग में जलकर मर गया। रघु, रघु,
रघु प्लीज मेरी बात मानो, जस्ट लिसन टू मी, कानून को मत तोड़ो रघु प्लीज। सिया स्टॉप। रघु वी कैन डू दिस टुगेदर, वी कैन गेट देम। सिया स्टे आउट ऑफ इट। स्टे आउट ऑफ इट, अपने बाप जैसी बन जाओ। सारी जिंदगी कोशिश की है मैंने कि लोग मुझे उस नजर से ना देखें जैसे वो मेरे डैड को देखते थे, और अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हीं की तरह बन जाऊं। अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि रघु राम राठौड़ अपना बदला लेना चाहता है। देखो मेरी तरफ, ना मुझे मौत मिली है ना जीने लायक जिंदगी। मैंने ख्वाब, मेरा फ्यूचर सब कुछ छीन लिया लोगों ने। हमारा घर नहीं बनेगा, बच्चे नहीं होंगे, शादी नहीं होगी, जिंदगी भर तरसता रहूंगा मैं। और तुम चाहती हो कि मैं उन्हीं लोगों को माफ कर दूं? इतना महान नहीं हूं मैं। समझ नहीं रहे हो तुम रघु, तुम उन्हें मारने की कोशिश करोगे और मैं बचाने की। मुझे ही बचाना चाहते थे, अब मुझसे ही मुकाबला करोगे। Is that what you want? अगर जरूरत पड़ी तो। रघु, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ही नहीं करोगे, और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे ऐसा करने दोगी? फिर तो हम दोनों ही मजबूर हैं। फोटोग्राफ तुम्हें कहां से मिली? सर, मैं जानती हूं कि मिस्टर एक्स कौन है। यू डू? यस सर, रघु ही मिस्टर एक्स है। सत्यवारी और आदित्य के अलावा कोई तीसरा भी है जिसने सीएम को मारने का प्लान बनाया था। ये बात उसने मुझे खुद बताई, लेकिन मैंने अब तक ये बात छुपाई। I see. इसका मतलब रघु मरा नहीं। उस तीसरे आदमी का नाम ना बताकर रघु मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन जो हुआ वो उस बात का बदला लेना चाह रहा है उन लोगों से। रघु का गुस्सा सही है, पर चुना हुआ रास्ता गलत। इससे पहले कि वो कुछ और कर बैठे, हमें उसे अरेस्ट करना होगा, और उसके जरिए उन सारे लोगों का पता लगाना होगा जो उस प्लान में शामिल थे। I agree, लेकिन कोई सामने हो तो अरेस्ट करेंगे ना? जो गायब रहता है उसका क्या करें? सर, एक तरीका है उसे पकड़ने का। और कोई तरीका नहीं पकड़ने का? मुझे ही बलि का बकरा बना रहे हो तुम। बात बलि की नहीं है, बदले की है। सिया ने कंफर्म किया है कि रघु ही मिस्टर एक्स है। उसी ने तिवारी को मारा, अब तुम्हें मारने आ रहा है, उसके बाद मुझे। मैं तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी बचा रहा हूँ। अरे तो एसीपी हो ना, जाके पकड़ लो उसे। सिंपल, नजर नहीं आता, पीछा कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, हमें उसी के आने का इंतजार करना होगा, और वो आएगा तुम्हें मारने। वो आएगा and then we will get him। और वो लड़की सिया, तुम कह रहे हो वही मुझे बचा सकती है? She is the best। अगर वो नहीं तो कोई नहीं। पोपो, वो मोटर गेट देख रहे हो? हाँ। सिया आदित्य को किसी सेफ जगह शिफ्ट करने वाली है। रेडी? मैं ये ट्रांसमीटर गाड़ी पे लगा के आता हूँ। अमर,
तुम इस गाड़ी में बैठो, तुम वहां जाओ। सब तगड़ा है रघुबाई, ये लोग गाड़ी से निकला है, अभी लेफ्ट ले रहा है और अभी राइट ले रहा है ये लोग। सब मस्त हो गया रघुबाई। ठीक है तो मैं वापस आ रहा हूँ। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रघुबाई, ये गेट वापस खुल रहा है। आयला, ये मिनिस्टर का डबल रोल है, दूसरा मोटर गेट आयला है रघुबाई। एक और तीसरा है। रघु भाई अपना प्लान तो फुल फ्लॉप हो गया। रघु भाई ये लोग कहीं गायब होने वाले हैं। सिया सिया सिया, उसने आदित्य को जहां कहीं भी रखा है उस जगह उसने पिछले 24 घंटों में काफी वक्त बिताया होगा। तो मैं सिर्फ उसके सेलफोन को हैक करके उसके कॉल्स और एसएमएस से ये पता लगाना होगा कि वो किस सेलफोन टावर के पास थी। बाकी का काम मैं कर लूंगा। रघुबाई आप तो फुल हैकर निकला। डन बॉस, सभी ढूंढता मैं उसको। मिल गया रघुबाई। पिछले 24 घंटे में सिया सिर्फ एक ही सेलफोन टावर के नजदीक थी और वो सेलफोन टावर है वो सामने वाला। आदित्य उस मोटरकेट में था ही नहीं। हाँ? क्योंकि असली आदित्य दत्ता अभी तक घर में ही है। ये आवाज कैसी, क्या हो रहा है ये? कोशिशों के बावजूद रघु यहाँ आ गया है। और तुम्हारी पूरी कोशिशों के बावजूद वो मुझे मार भी देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, रघु यहाँ आ तो गया है लेकिन जाएगा सीधा जेल में। अमर स्टे अलर्ट। ओके, लगा दे सिंदूर, लगा दे, चढ़ गया मैं बलि। Come on, Raku. What's your plan? This way.
इस तरफ नहीं, उस तरफ गो गो, गो। अरे अरे नहीं छोड़ेगा, अंदर बैठ जाइए आप। वो घर पे भी आ गया और तुम्हारे कमांडो सिर्फ मेरी शक्ल देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया और तुम मुझे बचाने वाली थी ना, तो बचाओ। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे तब तुम खुश हो गया, तुम कहती हो कुछ नहीं होगा, वो मुझे मार डालेगा। गुम हो जाना है, डू यू अंडरस्टैंड? कम ऑन, कम ऑन। अरे तुम क्या कर रही हो? हियर, गिव माय ब्रदर व्हाटएवर ही वांट्स। अमर, आई एम G7 मोड, आई नीड बैकअप नाउ। आदित्य मेरे साथ है और रघु हमारे पीछे, नाउ। मोहब्बत और जंग में सब जायज है मेरी जान, और फिर यहां तो मोहब्बत भी है और जंग भी। मिस्टर एक्स, आखिर कौन है ये, क्या मकसद है उसका? इससे पहले कभी ना देखे गए ना सुने हुए इस मिस्टर एक्स को लोगों ने सबसे पहले एक मॉल में देखा। हे, आई हैव हर्ड कि ये मिस्टर एक्स बहुत ही क्यूट है यार। व्हाट रबिश, तुम्हें कैसे पता? He's invisible. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मिस्टर एक्स बैंक लूटने में अपनी मदद करता है तो 10-1% दे देंगे ना उसको? नहीं नहीं नहीं, 10% नहीं। अरे माँ कसम, मैंने साहब को फोन पे बात करते हुए सुना कि मिस्टर एक्स ना टेररिस्ट है। तो सिर्फ सुनता है, सोचता नहीं, समझा? अब तक किसी को ये पता नहीं चला है कि मिस्टर एक्स कब दिखता है और कब नहीं, पर विशेष सूत्रों से हमें पता चला है कि गवर्नमेंट उसकी छानबीन कर रही है। सत्य तो ये है, मिस्टर एक्स खुद एक सोच है, एक विचारधारा है, मनुष्य का मन। Have you seen the new Facebook page of Mr. X? Not yet, why? It's got more than 1 million likes in 24 hours. देखिए, किसी इंसान का गायब हो जाना एक biological revolution से कम नहीं है। बिल्कुल, हमारी रिसर्च जारी है और मुझे पूरा यकीन है। Please say, कोशिश और, just give me one more chance. I'm sorry, Sia, it's too late. मुझे ऊपर से orders मिले। मतलब, आपने बताया तो नहीं ना कि रघु ही Mr. X है? नहीं, लेकिन अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? मुझे होम सेक्रेटरी दिल्ली से ऑर्डर्स मिले, मिस्टर एक्स रघु हो या कोई और, द ऑर्डर्स आर शूट एट साइट। आई एम सॉरी सर, मैं समझी नहीं। वो चाहते हैं कि हम हमारे बेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम बनाएं, जो टीम ऑफ कोर्स तुम लीड करोगी, और तरीका चाहे जो भी हो, वी किल मिस्टर एक्स।
You mean just like that? Na arrest, na koi case, na karwahi. Yes, Sia. Instructions yahi hain. Phir Raghu mein aur humme fark hi kya hai? Sia, kabhi kabhi insaaf ke liye na insaafi karni padti hai. Phir to mujhe Raghu ke saath hi mil jana chahiye. क्योंकि वो भी यही कह रहा है। It's not the same thing. वो खूनी है, हम नहीं। अब तक तो नहीं, पर बन जाएंगे सब। किसी ने उसे मारने की कोशिश की है और अब वो उसका बदला ले रहा है। फिर हम उससे बदला लेंगे, फिर कोई हमसे बदला लेगा क्योंकि हमने उसे मार दिया। So when does it all stop? सिया, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ। या तुम हमारे टीम के साथ उसे मारोगी या फिर वॉट। हमने ये फैसला किया है कि ऑफिसर सिया वर्मा, जिन्हें आदित्य दत्ता की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था, उन पर सख्त कार्रवाई चलेगी और कार्रवाई होने तक उनको सस्पेंड किया जा रहा है। मिस सिया, क्या ये सच है कि आप सस्पेंड हो चुकी हैं? आपकी जगह कौन सा ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा? मैंने अपने फर्ज और अपने डिपार्टमेंट को शर्मिंदा किया है। एक आदमी को बचाने का जिम्मा मुझे दिया गया था और मैं उसे बचा नहीं सकी, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट का ये फैसला सही है। तुम यहां क्यों आए हो रघु? जलील करने आए हो गिरे हुए को और गिराने? किस लिए आए हो? मजा देखा सच बोलने का, जहां तुम हो वह कोई नहीं। अच्छा समझी, तुम अपनी जीत की खुशी मनाने आए हो। खुशी तो है लेकिन अपनी जीत की नहीं। खुशी इस बात की है कि तुम आज भी मुझसे बेहद प्यार करती हो। मेरे सस्पेंशन में तुम्हें मेरा प्यार नजर आ रहा है? वाह, सम लॉजिक मिस्टर एक्स। आदित्य के मरने के बाद एजेंसी को ऊपर से ऑर्डर्स आए होंगे। Just shoot Mr. X at sight. सही है गलत? हाँ? फिर भरद्वाज ने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी होगी। कहा होगा ना केस ना कार्रवाई, just kill him. इसलिए रिजाइन किया तुमने, क्योंकि तुम मुझे मार नहीं सकती। ये प्यार नहीं तो और क्या है? सही कहा तुमने। जवाब मिल गया, अब चले जाओ यहां से। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बहुत सारे युद्ध जीते हैं और राधा का दिल भी। युद्ध प्रेम के भगवान है वो, और इन्होंने मुझे बचाया है, इसलिए आज मैं तुम्हें ये देने आया हूं ताकि तुम्हारी भी रक्षा कर सके। क्या करूं, मुझसे तो ये हक छीन लिया है तुमने। अब तू कहा यारा मैं
शुक्राना सद शुक्राना। जैसे सदियां कई बह गए शाम वही मिले हम थे जहां अब तू कहां यारा मैं कहां तू सजदा मेरा सदका मेरा जाना सद शुक्राना तू सजदा मेरा सदका मेरा जाना सद शुक्राना। Table for two? Yes, sure. This way. Come. Ma'am. Thanks. अजीब है। लंच टाइम है, पूरा रेस्टोरेंट खाली है। ये मुंबई नहीं है, यहाँ पे लोग सिर्फ वीकेंड्स पर आते हैं। तुमने ही कहा था ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जैसी हो वैसे ही रहना, बिल्कुल मत बदलना। मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहा था, ये लोग तुम्हें मार देते।
बुबू ये सब क्या हुआ? अब उनकी छोड़ो, अपने को रघु भाई की फिक्र है। क्या मतलब? जिस दिन सस्पेंड किया तुमको एडीडी से, उसी दिन अब उनके घर रात को। तो आप हैं वो जिसने मिस्टर एक्स की मदद की। वही मैं भी सोचूं कि विभीषण के बिना लंका कैसे जले। कहां है रघु? देख पप्पो, या तो चुप रह के जेल जा, या मुझे जो चाहिए बता के प्रमोशन ले ले। बताएगा तो तू सही, किस हालत में बताएगा तेरे ऊपर। पोपो, वो तीसरा आदमी जिसने सीएम को मारने का प्लान बनाया था, वो उनका मेन आदमी है, एटीडी का बॉस भारद्वाज। सिया तुम यहाँ? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बात क्या है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे अपने जैसा बेवकूफ समझ लिया, सोचा कि मैं तुम्हें अरेस्ट करके अदालत में तुम्हारी कार्रवाई का नाटक होने दूंगा। बट यू नो आई एम जस्ट गोना किल यू, और फिर मैं वो हीरो बन जाऊंगा सबकी नजरों में जिसने सीएम और तिवारी के कातिल की हत्या कर दी। अब सिर्फ इस कहानी में कुछ रंग भरने हैं। तो हुआ यूं कि तुमने भागने की कोशिश की, मैंने तुम्हें पकड़ा, फिर तुम मुझ पे झपटे, मेरी पिस्तौल ली और अमर को मार दिया। और फिर तुम भागे और उस बिल्डिंग में गए और मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम लिफ्ट पकड़ के ऊपर गए और मैंने दूसरी लिफ्ट पकड़ी और तुम्हारा टेरेस तक पीछा किया। इनविजिबल मैन को मारने का सबसे बड़ा फायदा है कि उसे मारने का ड्रामा करने के लिए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सीसीटीवी कैमरा आज चल नहीं रहा है, कल चल रहा था। मैंने यहां पे आके खूब एक्टिंग की मिस्टर एक्स से लड़ने की, और फिर नीचे फेंक के सारा ड्रामा खत्म कर दिया। अब बस तुम्हें नीचे फेंकना। मरने के बाद तो मिस्टर एक्स दिखता है ना? मूव बैक। मूव बैक।
रघु उन्हें छोड़ दो, आई से लीव हिम, रघु लेट हिम गो और आई विल शूट। रघु अगर तुमने उनको नहीं छोड़ा तो आई विल किल माइसेल्फ, आई विल डू इट रघु, बिलीव मी आई विल डू इट, लेट हिम गो। रघु 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 स्टॉप, आर यू ओके, आर यू ओके, हां जस्ट ब्रीथ, हां सर जस्ट ब्रीथ, इनको इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाना है, राइट ओके सर, आपको किसी सेफ जगह रखना होगा जहां रघु आप तक पहुंच ना सके। मैं कोई चूहा हूं कि किसी बिल में जाके छुप बैठूं? मैं कहीं नहीं जाने वाला, उस साले को मैं मार के रहूंगा। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने उसे देखा है ना, उसके सर पर खून सवार है, वो बदला लिए बगैर रुकने वाला नहीं है। बदला? यस सर, मैं जानती हूं कि आप ही वो तीसरे और आखिरी इंसान हैं जो उस प्लान में शामिल थे, लेकिन आपको जान से मारने का जिम्मा मेरा नहीं, मुझे तो आपको बचाना है। एनीवे, रघु को हम देख नहीं सकते, इसलिए उससे बचना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि आप अपने गुनाह कबूल करके सरेंडर हो जाएं और जेल चले जाएं। Are you mad? अगर मैंने उस बेवकूफ सीएम द्वारकानाथ दत्ता को मारने का गुनाह कबूल किया तो मुझे कसम की तरह फांसी पे टांग देगा तुम्हारा इंसाफ। तिवारी और आदित्य तो मर गए, अब सारा इल्जाम लेके मैं बलि का बकरा बनूं? मौत से बचने के लिए मैं जेल जाऊं? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, गुनाह कबूल कर लूंगा, जेल चला जाऊंगा, मुझे जिंदा छोड़ेंगे? एक तरीका है ये गुत्थी सुलझाने का। देखो, मिस्टर एक्स को मारने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो लोगों के दिलों में जिंदा है। मिस्टर एक्स को सबसे पहले हमें लोगों के दिलों में मारना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि सीएम को मारने के बाद एटीडी ऑफिसर रघु मरा नहीं, बल्कि वही मिस्टर एक्स है जिसने आदित्य और तिवारी को मारा है। वो हीरो सबका विलन बन जाएगा। उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे कि मिस्टर एक्स सूरज की रोशनी में दिखता है, जिससे उसकी कहीं भी आने जाने की आजादी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, फंस जाएगा वो, और फिर हम उसे मारेंगे। Yes, that's what we'll do. You call a press conference. You call a press conference. हमने आप सबको इसलिए आज बुलाया है ताकि आपके साथ उस सच को बांट सके जिसका खुलासा आज ही हुआ है, उस इंसान का सच जिसे आप सब मिस्टर एक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं उस हादसे का जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर की हत्या की गई थी। Are you mad? अगर मैंने उस बेवकूफ सीएम द्वारकानाथ दत्ता को मारने का गुनाह कबूल कर लिया तो मुझे कसम की तरह फांसी पे टांग देगा तुम्हारा इंसान। अब सारा इल्जाम लेके मैं बलि का बकरा बनूं क्या? उससे बचने के लिए मैं जेल जाऊं। रघु, रघु प्लीज स्टॉप, रघु प्लीज रुक जा। भरद्वाज को मारने से ज्यादा अपने आप को बेकसूर साबित करना जरूरी है, प्लीज रघु। क्या लगता है? हाँ, गुनाह कबूल कर लूंगा, जेल चला जाऊंगा, मुझे जिंदा छोड़ेंगे, सारा इल्जाम लेके मैं बलि का बकरा बनूं? तुम्हें बचने के लिए मैं जेल जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है? सर, क्या यह सच है कि आपने चीफ मिनिस्टर का मर्डर किया है? तो क्या आप झूठ बोल रहे थे हमसे? आदित्य का मर्डर भी आपने ही किया था, आप ही ने तिवारी को मारा था। This is nonsense, ये टेप नकली है, ये किसी और की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये बकवास है। I didn't say anything, please just calm down. ये किसी की साजिश है, a plan to trap me. इसी ने किया है, इसी ने सब किया है, शुरू से रघु के साथ मिली हुई थी, मुझे फंसाना चाहती है, प्लीज प्लीज लिसन टू मी।
guns! Drop them! Drop them! Move! Raghu, drop your gun. Raghu, I will kill her. I will kill her, Raghu. Pistol, paint them. Come on, Raghu. Come on, shoot me. Come on. मैं वो गद्दार नहीं जिसकी मंजिल जुर्म है, मैं वो मजलूम हूं जिसके पास उम्मीद का कोई रास्ता नहीं। मैं वो रघुराम राठौड़ नहीं जो कानून के दायरे में रहकर नाइंसाफी बर्दाश्त करेगा। मैं वो मिस्टर एक्स हूं जो कानून तोड़कर इंसाफ करेगा। मैं सोच ही रही थी, जो लोग गायब होते हैं क्या उन्हें नहाने की जरूरत पड़ती है? जो गायब होते हैं उन्हें नहाने की नहीं, लेकिन प्यार की जरूरत तो पड़ती है। तो इरादा क्या है? बिल्कुल नेक नहीं। Thank you.